No,
Sazimana, 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 Sazimana,
No, 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 no,
कुटुंब परिवार करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन स्वामी नारायण जो 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 नारायण सजान स्वामी महाराज की जय। जय स्वामीनारायण। पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम साधु अक्षय स्वरूप दास है और मुझे 1999 में दीक्षा मिली थी
तो ये तो मेरा इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन तो मैं क्या दे सकता हूँ। शुरू से अगर बात करें, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेरा जन्म नागपुर में हुआ है। बिल्कुल पहली बार जब आप गुरु जी के दर्शन हुए या फिर मंदिर आए, तब की क्या स्मृति है? मेरे को ऐसा है कि मैं पहली बार का दर्शन मुझे बहुत, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैं 84 में आया था, तो मैं पहली बार जब मंदिर आया था तो मैं जहाँ गुरुजी बैठते थे उसके अपोजिट में, जहाँ बहनें बैठती थी वहाँ पर A103 में, वहाँ मैं बैठा था। तो मैं जाके पैर छू के आया एक बार, तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। मैं दूसरी बार भी पैर छू के आया तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर मैंने आके, जो मुझे सेंटेंस याद है कि ये बाबा जी तो कोई आशीर्वाद ही नहीं देते, तो दिस इज़ माई फर्स्ट मेमोरी ऑफ हैविंग दर्शन ऑफ गुरु जी, दिस इज माई फर्स्ट मेमोरी। तो उस समय किसकी उम्र थी आपकी? 6 साल होगी मेरी उम्र उस समय। काका जी के भी दर्शन हुए? हाँ, काका जी के दर्शन मुझे, वो भी एक ही स्मृति है काका जी की, कि हम बाहर खेल रहे थे सबके साथ बाहर, तो फिर प्रसाद दे रहे होंगे, तो काका जी जहाँ गुरु जी बैठते थे उसी सोफे पे बैठे हुए थे, तो हम लोग दर्शन करा हमने, और मैंने मेरे ख्याल से एक ही बार उन काका जी का दर्शन किया है, तो उन्होंने ड्राई फ्रूट की मुट्ठी भरी और ऐसे सबको दी, तो मुझे वो दर्शन याद है सिर्फ एक, कि मेरे को मैंने काका जी के जो दर्शन किए हैं, भगवा कलर का कपड़े पहने हुए और जो टोपी वो पहनते थे, शायद मेरे को यही याद है कि वहाँ पर एक बार यही दर्शन हुए हैं बस मुझे, तो ऐसा ही मेरे को पहला और आखिरी वही काका जी का दर्शन की स्मृति है। धीरे धीरे मंदिर में कैसे आना जाना पड़ता चला गया? 86 में जो मेरे पूर्वाश्रम के पिताजी, उन्होंने सर्विस छोड़ के वो मंदिर की सेवा में डेडिकेटेड आ गए थे, तो हम लोग को भी उसी हिसाब से आना हो गया, लेकिन हम उससे पहले भी मंदिर आना शुरू हो चुके थे, तो जब 86 में यहीं पर आ गए तो फिर मंदिर जाना होता था, लेकिन मंदिर में ना मुझे खाना पसंद नहीं था बिल्कुल, क्योंकि वो हर चीज़ में मीठा होता था, तो मुझे ऐसा बताते थे कि मुझे वो मंदिर इसलिए पसंद नहीं था कि खाने में मीठा मिलता है, बहुत मीठा होता है खाना, तो इसलिए फिर वो पसंद नहीं है। लेकिन धीरे धीरे फिर वहाँ रहना, फिर आशीष के साथ, चिराग वहाँ पर, और बहुत और दो चार और लड़के थे उनके साथ खेलते रहा। हमारा काम तो सिर्फ मंदिर में आके खेलने का ही होता था और आनंद करने का। कभी कभी पीछे पीछे के रूम में जब रोटी बनती थी तो भाई स्वामी हमें बिठा देते थे कि इस पे घी लगाओ ऐसे, तो फिर कभी कुछ सफाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर से हमारा मंदिर का साथ इंटरेक्शन बढ़ा। फिर जब मंदिर की ज़मीन मिली तो मंदिर की ज़मीन में यहाँ पर श्रम सेवा होती थी, तो उसमें भी हम लोग आते थे, खेलते थे, और हमारा बहुत जो टाइम है, मेरा है, आशीष का है, चिराग का, मेरे को जिनको याद है, वो यहाँ पर बहुत निकला है। मतलब हमारा खेलने की जगह ये होती थी, हमारे दोस्त मंदिर के ही लड़के रहे हैं हमेशा से, पहले से ही भगवान ने बहुत अच्छा किया रखा हमें, तो गुरुजी के पास, गुरुजी कहीं बाहर जाते तो हमें ले जाते, तो हमारा बाहर भी गुरुजी के थ्रू होता था। तो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ा। फिर थोड़े बड़े हुए तो मूर्ति प्रतिष्ठा के महोत्सव में हमारी सेवा रखी गई थी परेश भाई के अंडर में स्टेज पर, कभी हार पकड़ाने हैं, कभी कुछ गुलदस्ता है, पानी है, शरबत है, एक वो एक मतलब जिसे कहते हैं। फिर वहाँ से हमारी थोड़े, हम एज में थोड़े बड़े हो गए तो हमें वहाँ पर से सेवा मिलने शुरू हो गई, फिर सेवा में पार्टिसिपेशन और बढ़ गया हमारा, तो जहाँ जहाँ गुरु जी जाते थे हमें ले जाते थे साथ में, मान लो भी छपैया गए तो भी लेके गए, बाहर जहाँ भी गए, जैसे मसूरी की ट्रिप है वहाँ पर सब जगह पर गुरु जी हमें लेके गए, तो हमारे मतलब हमारा जो ग्रुप कह लो या सर्कल कह लो, एक मंदिर और मंदिर के हरिभगत यही था, वह कुछ था ही नहीं मतलब हमारे लिए, तो हमारा पहले से ही ऐसे जीवन में ऐसा रहा कि बस, फिर थोड़े बच्चे क्रिकेट खेलना है तो मंदिर में, हर चीज़ मंदिर में ही हुई हमारी, तो मतलब 95 ऐसा टाइम आया कि मेरे को 10th था मेरा, तो उसके बाद गुरुजी बॉम्बे जा रहे थे तो वो मुझे ले गए थे साथ में, तो वो मुझे मतलब बॉम्बे मैंने देखा नहीं था कभी, सिर्फ सुना ही था, तो गुरुजी के साथ बॉम्बे जाने का मिला, फिर गुरुजी ने आनंद भी कराया, तो एक वो एक बिल्कुल टर्निंग, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट जैसा ही हो गया मेरे लिए कि गुरुजी के साथ और जुड़ाव बढ़ गया, उनके साथ रहना अच्छा लगा, उनकी सेवा में रहना, मंदिर की चीज़ों में तो सेवा करते ही थे हम, मंदिर के पास रहते थे तो कभी भी आना हमारे लिए बहुत आसान होता था। 11th में
मेरे को जहाँ तक याद है कि मैं ज़्यादातर टाइम मंदिर में ही रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं जनरली मंदिर सोता था कि सुबह उठ के फिर मैं घर जा के स्कूल जाता था। तो एक दिन दो चार दिन मैं नहीं आया तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती या ऐसे कुछ, मेरे को ध्यान नहीं रहता लेकिन ऐसा कहा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा। तो फिर मेरा फिर ज़्यादातर इलेवंथ का जो टाइम है वो मैंने पढ़ाई भी कर स्कूल जाता था, थोड़ा ट्यूशन पढ़ी, पढ़ाई करी तो मंदिर में कर ली, रात को मंदिर में सो गए, सुबह चले गए। मतलब ज़्यादा अगर 10 दिन है तो 10 दिन में से 8 दिन मंदिर रहते थे और फिर 2 दिन ही ऐसा होता था कि घर पे हैं या फिर हैं। तो 96 में ज़्यादा ऐसा हुआ रहने का वहाँ पर। उसके बाद 97 में गुरुजी का बर्थडे की तैयारियाँ हो रही थी और मेरे 12th के एग्ज़ाम थे। अब सब लोग तो जो भाई या तो बड़े थे या तो छोटे थे मुझसे, तो सब सेवा करें और मेरे को पढ़ना हो तो वो पढ़ाई ना हो, क्योंकि बाजू वाला पार्क है ना तो बिल्कुल पहले बहुत बुरी हालत में था तो उसको पूरा रिनोवेट किया, मतलब एक तरीके से अगर वो खोदा, सफाई करी, तो सब लोग उसी में लगे हुए थे। मैं यहाँ से देखूँ कि भाई वहाँ तो ये हो रहा है, पढ़ाई ना हो। अब पढ़ाई 12th थी, पढ़ाई में इतने अच्छे तो थे नहीं तो भी, लेकिन ऐसा मन रहता था कि भाई क्या करें कैसे करें। तो अब ऐसा हो गया कि इस बार तो लगता है लुढ़क जाएगी गाड़ी, लेकिन भगवान ने सेवा भी कराई, फंक्शन में भी सेवा कराई और पास भी कराया। फिर गुरुजी हमें वहाँ से नैनीताल ले गए थे, नैनीताल रानीखेत, फिर वो वहाँ पर हमें मंदिर के स्टाफ को और थोड़े से जनों को, जैसे हम भी इसमें मिल गया हमें मौका जाने का, वो एक फिर भिड़ा। फिर 97 में ही गुरुजी का ऑपरेशन का हुआ, तब हम इतनी सेवा नहीं करते थे लेकिन हाँ गुरुजी के पास ज़रूर खड़े रहते थे। तो उस टाइम का मुझे याद है कि मैंने गाड़ी तभी चलानी सीखी थी। गुरुजी का ऐसा था कि भाई तुम 18 साल के हो जाओ तभी चलाना, तो फिर तब मेरे को गाड़ी चलानी आई। टाटा इस्टेट थी वो चलाता था, तो जैसे गुरुजी हॉस्पिटल में थे तो सामान लेके जाना है, किसी को लेके जाना है, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया था ले जाना उसको, वो सेवा भी। तो गुरुजी का ऑपरेशन तो फिर बॉम्बे में हुआ, फिर गुरुजी करीबन एक महीने तक ब्रह्मज्योति रहे थे। तो मुझे एक बात याद है उस समय की, तो बहुत सारे मंदिर के जो बड़े थे वो वहाँ चले गए थे और संत सूरज स्वामी और भाई स्वामी भी किसी वजह से वहाँ गए थे। तो किचन में उस समय महाराज थे, तो किचन कोई मतलब ऐसा नहीं था कि कोई किचन में खड़ा रहे, तो गुरुजी की आज्ञा से या तो खुद आशीष ने, वो उस समय वो इतना छोटा था, मैं तो मेरी एज से भी वो एक साल छोटा है मुझसे, लेकिन वो पूरा जब तक गुरुजी नहीं थे तब तक वो किचन में पूरा ध्यान रखता था खाने सब्जियों का भी, कि सब्ज़ी आई कि नहीं आई है, मेहमान है, खाने में क्या बनना चाहिए। मतलब वो मेरे को ये याद है इसलिए क्योंकि मेरे को ध्यान है। और फिर 2 फरवरी को गुरुजी आए थे यहाँ वापस, बहुत अच्छी तरीके से हमने उनको वेलकम किया था, बाहर डेकोरेशन की थी और मतलब बहुत सब खुश हो गए थे और गुरुजी भी बहुत राजी हुए थे। फिर गुरुजी ने शाम को सबको फिर प्रसाद दिया था अपने हाथों से। तो एक जिसे कहते हैं ना कि ये सब मेरे लिए मतलब यही सब फिर बढ़ने का आगे का ये रहा। और इन सब साथ साथ ना तो दीदी का भी हमारे मेरे इसमें बहुत वो है कि हम तो छोटे थे तो हमें तो समझ नहीं थी, लेकिन दीदी ने हमें बहुत समझाया कि कैसी सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 99 में मैं साधु हुआ, तो 7 मार्च को ऐसे डिसाइड किया कि भाई अब गुरुजी की सेवा में जाते हैं। तो उसे गुरुजी, मैं तब कंप्यूटर की क्लासेस लेता था, डिप्लोमा कोर्स कर रहा था, उसका भी एक प्रसंग बड़ा अच्छा है कि मैंने 12th पास करी थी तो मेरे कोई नंबर बहुत अच्छे नहीं थे, 44% थे, तो कहीं एडमिशन की कोई चांस तो थे ही नहीं। तो सोचा कि भाई सबसे बात हुई कि कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर पास में यहाँ पर STG करके एक सेंटर था, तो हम वहाँ पर गए, हमने बात करी कि भाई हम, उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी तो कि भाई हमारा को कैसे एडमिशन मिल सकता है, ये है वो है। तो उस चीज़ के लिए गुरुजी खुद आए उस सेंटर पे और उसके जो वहाँ के जो हेड है उससे बात करी कि भाई मैं, ये हमारा लड़का है, इसका जो है फ़ीस का ये कम करवाइए, ये सब करके इस तरीके से उन्होंने, गुरुजी खुद आए थे। तो मेरे को ऐसा लगा था कि गुरुजी मेरे लिए
मतलब वहाँ तक चल के आए, तो एक चीज़ भावना जिसे कहते हैं वो चेंज होती गई फिर धीरे धीरे। तो मैंने एक साल वहाँ पर करा था, उसके बाद फिर मैं गुरुजी की सेवा में फिर आ गया था। तो 7 मार्च 1999 को ऐसे सेवक की दीक्षा मिली, तो गुरुजी ने नाम दिया विश्वास, आशीर्वाद दिए। फिर उसी साल में मेरे को साधु बनने का भी चांस मिला, और वो भी बड़ा मतलब बहुत ही गुरुजी ने ऐसा कहानी की तो हो जा, लेकिन ऐसी सिचुएशन हुई तो पूछा तू बनेगा, तो मैंने कहा हाँ बनूँगा। मतलब मेरे को ऐसा था नहीं, क्योंकि हमको गुरुजी से ऐसा प्यार या उनका ऐसा प्यार था कि वो हमें इतने अच्छे लगने लगे, उनके प्रति इतना हो गया, तो मैंने सहज ही कहा कि हाँ बन जाऊँगा। तो गुरुजी ने तब कहा कि जाओ अपने पेरेंट्स को पूछ के आओ। तो मैंने सीधा स्कूटर लिया, सीधा मतलब घर गया, और घर जाके बोला कि ऐसी ऐसी बात है तो साधु होना है। तो उनकी तरफ से ना बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स, उन्होंने कभी मेरे को ना नुकर नहीं करी, सीधा ही मतलब हाँ ही था उनकी तरफ से। मतलब फैमिलीज भाई बहन उनकी तरफ से कभी मेरे को ना के कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर क्वेश्चनिंग करियो नहीं ऐसा नहीं करना, वो बहुत अच्छा रहा। और लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात करी कि देखो साधु बनना है, गुरुजी की सेवा करनी ज़रूर करियो, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। मतलब उनकी ऐसी कि भाई तू कर रहा है कर जरूर, लेकिन पीछे मुड़ के मतलब ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा ये होगा, वो चांस ही ख़त्म जिसे कहते हैं ना उन्होंने पहले ही कर दिया, तो भी अच्छा है। लेकिन उस समय जो है मतलब सबका जो बहुत ऐसा प्यार भी कह लो रहा है कि उन्होंने सबने सपोर्ट ही किया मुझे, तो वो मेरे साधु बनने की जो है कहते हैं ना जिसे पहली सीढ़ी गुरुजी ने रखाई। 1999 में आपको साधु की दीक्षा मिली, उसको लेते भी कुछ प्रसंग आपको याद आता? हाँ ये बहुत अच्छा बताया आपने, मुझे याद आया कि ये 85 की बात है कि एक बार सुबह हम अपने फैमिली के साथ मंदिर आए, तो उस समय गुरुजी पूजा कर रहे थे, हॉल में बैठे हुए थे पूजा कर रहे थे, तो उनके साथ ना चॉकलेट रखी हुई थी इधर बाजू में। तो मेरे को बड़ा ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को स्मृति में ऐसा है, तो मैंने कहा कि मैंने गुरुजी को नहीं कहा डायरेक्ट शायद, तो मैंने कहा कि ये तो बड़े अच्छे साधु हैं, इनको चॉकलेट खाने को मिलती है। तो ऐसी बात हुई कि चॉकलेट खाने को मिलती है, तो मैंने किसी को बात करी, तो उन्होंने गुरुजी को बात करी, तो कहते चॉकलेट खाएगा, मैंने कहा हाँ, कहते साधु होएगा, मैंने कहा हाँ, तो कहते आ तेरे को संकल्प कराते हैं। तब तो मतलब एट दैट एज मतलब 85 में मैं कुछ 7 साल का होऊंगा, तब तो मेरे को ऐसा थोड़ा थोड़ा सा है कि मैंने ऐसे संकल्प गुरुजी ने मुझे कराया कि हाँ मैं बड़ा होके साधु होऊंगा। तो मतलब कहने को देखो देख, अगर हमने संकल्प किया तो उनकी नज़र हम पे कब से थी, और फिर उन्होंने हमें इस तरीके से माहौल में रखा, इस तरह की सिनेरियो हमेशा बनाए रखी कि मैं कभी उस तरह से भटका ही नहीं। और बाकी सब सत्संगियों का, भाई स्वामी का, सूर्य स्वामी का, इन लोग का बहुत प्यार था, ऐसा नहीं है, ये लोग बहुत संभालते थे। अगर गुरुजी कुछ कह भी देते थे तो भाई स्वामी हैं ये हमें बहुत संभालते थे, डांट भी खाई गलतियों, हम गलतियाँ तो हम ही करते थे, लेकिन फिर भी भाई स्वामी हमें संभाल लेते, हमारे लिए खड़े हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि आशीष को बहुत डांट पड़ती थी तो भी भाई स्वामी कहते थे नहीं मैं इसका रखूँगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने स्टैंड रखा है हमेशा। तो वो एक इंसिडेंस ऐसा है जिसे मुझे बहुत पुराना, जिसे कहते हैं ना कि 85, मेरे को डेट श्योर नहीं है, लेकिन ये ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा हमेशा से रहा है दिमाग में। तो मतलब हमारी कोई हमने ऐसा कुछ किया है ऐसा नहीं है, उनकी नज़र थी, उनकी मतलब उनकी वजह से ही ये मौका मिला हमें साधु बनने का। इसके बाद जब एक बार साधु की दीक्षा मिल गई, उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है 99 से लेके आज तक? जिसे कहते हैं ना फिर धीरे धीरे, पहले तो देखो साधु में इस कभी ये सोच के नहीं बनाता कि मेरे को ऐसी साधुता पानी है या ये मुझे करना है, लेकिन धीरे धीरे जैसे गुरुजी बताते थे समझाते थे कि भाई एडमिशन मिल गया, लेकिन आपके उसके बाद आपकी मेहनत है पढ़ाई है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर वो जैसे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे समझी, अपने जिसे कहते हैं टाइम विल बी प्ले द रोल बेसिकली, तो उसका रोल रहा, और उसने बहुत सारी चीज़ें सिखाई समझाई कैसे रहना है
कैसे बरतना है। फिर ऐसे बहुत सारे मंदिर में इवेंट हुए जिसमें हमको सेवा करने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जैसे साधु हो गया मैं, तो उसके बाद गुरुजी ने कंप्यूटर भी दिलाया मंदिर में, पहला कंप्यूटर आया आशीष भाई ने, उस पर डिज़ाइनिंग करी, हम साथ में रहे, मतलब बहुत कुछ उन्होंने हमसे ऐसा कराया। सत्संग में भी धीरे धीरे समझदारी बढ़ाई, पहले तो थे मतलब ऐसे थे नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे समझ उन्होंने डाली हमारे में अंदर। और जीवन में देखा गुरुजी का, क्योंकि जब साधु हो गए तो 24 घंटे उनके साथ रहना, और फिर वो पता चलता है सर चीज़ें धीरे धीरे कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे होता है, गुरुजी का कैसे बिहेव रहता है स्वरूपों के प्रति, भक्तों के लिए कितना वो लोग गुरुजी इतना करते हैं, वो सबका सब ना धीरे धीरे जब आप साथ में रहते हो। ये कई बार हमें मंदिर में रहते तो हमें ये नहीं पता चलता था कि हम ये गुरुजी इसको कितना इतना मतलब हाथों में क्यों रखते हैं, इतने संभाल के क्यों रखते हैं। जब कभी गुरुजी उनके पास लेके गए, उनके घर पे लेके गए, जब उनकी सेवा भावना देखी कि वो गुरुजी की और भक्तों की ऐसी सेवा करते हैं, तो उनके प्रति का नज़रिया ही बदल गया। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब जिसे कहते हैं सीखने को मिला, जब हम गुरुजी हमें उन भक्तों के घर ले गए, उनकी महिमा से जो उनकी भक्ति देखी गुरुजी और गुरुजी के साथ आए हुए हरि भक्तों की, तब हमारे को भी ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसी सेवा जो है हमें ही करनी चाहिए भक्तों की। तो एक जिसे कहते हैं ना समझदारी इस चीज़ की कि भाई भक्तों की सेवा किस भावना से करनी चाहिए। गुरुजी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, वो समझाने की कोशिश, लेकिन वो देखा ना तो प्रैक्टिकली समझ आया कि इस तरीके से ये सेवा होती है, एक मतलब ये स्टेप है। फिर धुन का, भजन का, ऐसी चीज़ों का बहुत गुरुजी बोलते थे, हम करते नहीं थे, कि रात को प्राचीत प्रार्थना करो, भजन करो, हर चीज़ में भगवान को याद करके करो। पहले इनिशियली स्टेज में तो ये नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे कई चीज़ों में ऐसे समझ आने लगा। अब पहले क्या होता है कि कई बार हम कोई चीज़ करते तो मैं अंदर से गुदगुदी हो जाती है कि ये देखो हमने अच्छा कर दिया, तो जैसी जैसी वो ख़त्म होने लगता है ना, तो कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आदमी की सारी गुदगुदी ख़त्म हो जाती है। तो फिर अगली बार से समझ जाए कि नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये ऐसी सेवा हमसे आप करा लेना, हमारी ताकत नहीं है, निर्विघ्न हो जाए, ये सेवा के रूप में हो जाए, ऐसी सेवा आप हमसे करा लेना, हमारी ताकत नहीं है। अब फिर ये प्रार्थना होती है, पहले होता था कि हमने इतना अच्छा कर दिया, मतलब धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व होता जाता है ये सब चीज़ें। जितने भी अभी आपके जो मेजर सेवा रहती है, पहले तो ठाकुर जी की सेवा में रहते थे आप, लेकिन अभी मेजर सेवा रहती है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो जितना भी काम है, टेक्निकल काम है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपको क्या दिखाई कि धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, या कोई ऐसा प्रसंग आपको याद आता हो जो आपको चैलेंजिंग लगा हो, लेकिन आपकी लाइफ में वो एक पॉइंट बना हो, पिवोटल पॉइंट बना हो चेंज होने? गुरुजी ने ना हमेशा जो जिसका इंटरेस्ट है ना उसमें वो उसको प्रमोट करते हैं आगे, और वो इसलिए नहीं प्रमोट करते कि वो ये चाहते हैं कि वो प्रमोशन इसलिए हो कि वो उस सेवा को और अच्छी तरह कर, वो सेवा में उस नॉलेज को यूज़ कर पाए। तो गुरुजी ने मेरे को, जैसे कि मैं थोड़ा सा टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग शायद मेरी अच्छी हो सकती हो, मैं अपने आप से तो नहीं कह सकता, तो वो उन्होंने हमेशा प्रमोट करी, मुझे सेवाएं इस तरीके से दी, और मेरा भी इंटरेस्ट था। तो लेकिन ये गुरुजी ने हमेशा से पहले डाला कि हमें ये सेवा की भावना से करना है, कि हम इसको सत्संग में कितना यूज़ कर पाए, कि ये सामान हमारे पास है ये नहीं, लेकिन ये सामान हम सत्संग में कैसे यूज़ कर पाएँ, अपने गुरुजी की सेवा कैसे करें, भक्तों की सेवा कैसे यूज़ कर पाएँ। तो उन्होंने पहले से ही डाला हर चीज़। जो देखा जाए तो आज मंदिर में, मैं कहना तो नहीं चाहिए, हम आज अपना मंदिर जो है बहुत टेक्निकली हम चीज़ें बहुत एडवांस यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें गुरुजी ने ही हमें, गुरुजी ने कभी हमें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, पूछा जरूर, और गुरुजी हमेशा ही कहते हैं देखो भाई तुम तो बोलोगे वो तो मैं कर दूंगा, वो हमेशा हमें हाँ ही करी उन्होंने कभी, तो जो भी चीज़ चाहिए थी कभी भी कैसी भी चीज़ तो उन्होंने ले लिया। लेकिन हाँ, उनको ऐसा रहता था कि ये चीज़ सिर्फ हम शौक के लिए ना लें, उसको हम सत्संग में यूज़ कर पाएँ, इस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया, हमेशा आगे ले गए। और कह लो कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर मैं एक नॉर्मल जीवन भी जी रहा होता ना, तो गुरुजी के साथ जो मैं अब नॉर्मल एक जीवन जी रहा होता, तो शायद इतनी आगे नॉलेज क्या कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, सोच भी नहीं पा रहा था। मान लो गुरुजी हमको मतलब बाहर ले गए, तो बाहर ले गए इन द सेंस आउट ऑफ इंडिया भी लेके गए,
मतलब हर जगह पे जो है गुरुजी, सबसे पहले हमें मतलब जो विदेश यात्रा थी गुरुजी की, वो साथ में दुबई थी, दुबई वहाँ लेके गए। मतलब हम लोग तो सोच ही नहीं सकते ना इन सब चीज़ों के बारे में। प्लेन में बैठना भी कभी हमने सोचा नहीं था, वो तो गुरुजी के साथ, गुरुजी का आशीर्वाद रहा, गुरुजी ने साथ में रखा और वो लेके गए। ऐसे मतलब हर जगह पे, मतलब जिसे कहते हैं ना, गुरुजी ने ही हमें वो कराया कि जो हम कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे। तो मतलब टेक्नोलॉजी तो खैर जो मेरी नॉलेज है, फील्ड है, ठीक है, लेकिन उनकी जो एक वो भावना ही बिल्कुल अलग है इस चीज़ की कि हम को यूज़ क्यों करना, किस लिए करना, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, वो चीज़ उन्होंने सिखाई हमेशा। आपका बाहर भी बाकी सेंटर्स के भक्तों के साथ और सेवकों के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन रहता है क्योंकि आपकी फील्ड ऐसी है, इसमें भी आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए हो जिससे आपको, या आपको ऐसा लगता हो कि हाँ गुरुजी की तरफ से ऐसा कोई सूचना है जो मेरे को हेल्प किया है इस इंटरेक्शन में? ऐसे तो कह सकते कि ज़्यादातर जो सेंटर जहाँ पर, जैसे कि शिकागो है, अनुपम मिशन है, पवई है, इन सेंटर्स में हमारी इंटरेक्शन रहती है, रहती थी, मतलब जिसे कह लो पहले ना तो समझ नहीं थी कह लो, तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता था जनरली बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता था। तो गुरुजी ने जो समझाया या बताया, जो समझा लो मतलब जो वक्त से सीखा या उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि हमें कांटेक्ट हमारे पर्सनल नहीं रखने हैं, हमें अपने स्वरूप को आगे रख के रखना है और उसको अगर वो चीज़ पसंद है तो ही आगे जाना चाहिए, वरना नहीं जाना चाहिए। हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या जिससे भी हमने अपने संबंध रखे, वो सिर्फ एक ही भावना से होना चाहिए कि हमारे स्वरूप की राजीपा उसमें है, या वो जिस तरीके से, मतलब ऐसे नहीं कि अलग जो अलग हो जाएं या अलग सोच, ऐसी नहीं है, लेकिन वो कहने का मतलब है कि हमारे स्वरूप को वो पसंद होना चाहिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर कि भाई आप जिससे भी कॉन्टैक्ट रख रहे हो, आप अपने आप के लिए नहीं रख रहे हो, पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं कर रहे हो, आप एक जो डेवलप कर रहे हो एक स्वरूप के लिए कर रहे हो, वहाँ का स्वरूप है या फिर यहाँ जैसे गुरु जी हैं, तो अलग अलगता की बात नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है कि आपको उसमें स्वरूप अपने गुरु जी, जैसे मेरे लिए गुरु जी प्रायोरिटी है, उसके बाद वो संबंध होना चाहिए। आपका आपकी एज की वजह से एक अच्छी बात ये है कि आप एक जनरेशन को कनेक्ट करते हैं मंदिर में, जो कनेक्ट कभी कभी हट जाता है, लेकिन आपकी एज ऐसी है कि आप दो जनरेशन्स के बीच में एक अच्छा कनेक्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, बीच में आपने एक बहुत ही अच्छी पहल भी करी थी जो आपने सब बच्चों को बोला कि प्रदक्षिणा के लिए, उसमें उसके बारे में क्या बताएंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये प्रदक्षिणा से पहले ना एक प्रसंग बना था, ये मेरे ख्याल से बात है 98 या 99 की होगी, नहीं 98 नहीं 2007 की गुरु पूर्णिमा की बात है। तो कुछ ऐसा प्लान किया कि भाई गुरुजी के लिए हम क्या करें, तो सोचा कि एक टीवी लगा के देते हैं, और मतलब टीवी के साथ का सारा एसेसरी करके देंगे। तो पहले पूछा, फिर मैंने कहा कि मैं अपने आप तो कर नहीं सकता ये, फिर गाइडेंस ली, और गाइडेंस ले के फिर वो क्या किया कि सब बच्चों को जो कमाते हैं और जो नहीं भी कमाते हैं सबको फ़ोन किया कि भाई हमको ऐसा करना है, तो सब ने सहयोग दिया, मतलब बॉम्बे भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, मतलब ऐसे सबको बात करी, तो सब ने किया। तो एक हम ऐसे गुरुजी के लिए टीवी लेके आए, पहला एलईडी टीवी था बड़ा, तो और गुरु पूर्णिमा के दिन हमने सोचा कि उसको, दैट वाज माय फर्स्ट जिसे कहते हैं ना ऐसे कोई काम कराओ, ग्रुप वर्क किया हो, तो फिर वो गुरुजी को जब देखी तो गुरुजी बहुत खुश हुए थे। आज भी वो मेरे को कह लो चेहरा याद है गुरुजी का, जब गुरुजी ने वो टीवी देखा और उनको बताया कि ये सब किसी से, मतलब किसी बड़ों ने नहीं, यूथ ने किया है, तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बिल्कुल अलग था। तो वो हमारा पहला कोई जिसे कहते हैं ग्रुप वर्क कह लो वो था, तो दैट वाज फर्स्ट। तो लेकिन हर बार एक ही मोटिव नहीं था कि भाई पैसे इकट्ठे करके कोई चीज़ करें। तो एक बार हम इटेड़ा गए, इटेड़ा में थे वहाँ पर श्यामलाल जी के घर पे, तो वहाँ पर सब बच्चे भी गुरुजी लेके गए थे सबको, हम भी वहाँ पर गए हुए थे। तो ऐसा वो सोचा कि भाई अब
कुछ अच्छा करना चाहिए। अभी एक बार टीवी दे दिया है, हर बार कोई ऐसी फिजिकल चीज़ देना कंपल्शन नहीं है, क्या करना चाहिए। तो कि फिर विचार आया कि भाई ऐसे विचार किया कि गुरुजी की हेल्थ के लिए हम प्रार्थना रखें, दंडवत करें, प्रदीक्षिणा करें काका जी की समाधि पे, काका जी से प्रार्थना करें कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये बात फिर डिसाइड हुई कि हम ऐसा करेंगे। तो ये तो इनिशियली बात हुई कि ऐसे, फिर ये बात दीदी के पास भी गई कि ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो ये फिर ऐसा सबको ऐसा लगा कि मतलब कि ये बहुत अच्छी सोच है, तो इसको करना चाहिए। तो फिर वो 7 मार्च के दिन, वो 26 जनवरी का दिन था जब ये सोचा था ऐसे कि ऐसा करना चाहिए हमें, 26 जनवरी। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर जब मंदिर आए तो ये बात धीरे धीरे बात गुरुजी के पास भी गई, तो गुरुजी ने भी कहा कि अच्छी बात है अगर ऐसी है। तो फिर वो मैंने तो सिर्फ सोच रखी थी, सिर्फ सोच कह लो, लेकिन ये जो इतना अच्छा और इतना अच्छा इस प्रसंग को बनाया तो सब बड़ों ने किया, हमने तो सिर्फ एक विचार ही रखा था। तो वो फिर विचार इस तरीके से हुआ कि फिर हर साल वो परिक्रमा का प्रोग्राम होता है। तो ये स्टार्टिंग इसकी हुई थी 2-3 साल पहले, और ये फिर ये यूथ के साथ कनेक्ट करने का ये सब फिर उसके साथ धीरे धीरे होता रहा। 90s में तो आप छोटे थे, तो मैं मान सकता हूँ कि मंदिर को लेके ज़्यादा स्ट्रगल नहीं दिखता होगा शायद, लेकिन तब के बचपन में और आज जो आप बचपन देखते हो बाकी बच्चों का, आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क आया है मंदिर में जो स्ट्रगल है, तो उस चीज़ को कंपेयर कैसे करते हो? हमारे टाइम का बचपन और आज का बचपन ये टोटली डिफरेंट मतलब हो चुका है। आज टीवी है और ये कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, उनका बच्चों का बचपन तो उसी में चला गया है। और हमारे टाइम पे तो सिर्फ एक मंदिर होता था, कुछ अगर घर पे करने को नहीं है तो मंदिर चलो, गुरुजी के पास बैठो, पीछे खेलो, मतलब मंदिर में कोई सेवा या कर लो। तो सारा टाइम हमारा जो बेसिकली है वहाँ मंदिर में निकला है, अगर कुछ फ्री टाइम है तो मंदिर में। अब ऐसा तो खैर मैं नहीं कह सकता कि आज के बच्चे ऐसा नहीं करते या करते हैं, लेकिन जनरली आज के बच्चों का वो खेलने का, हमारे यहाँ पर पहले ऐसा भी होता था कि समर वेकेशंस पे हम सब बच्चों को बुला के क्रिकेट खेलते थे, टूर्नामेंट करते थे, बकायदा गुरुजी ट्रॉफी देते थे, मतलब प्राइजिंग होते थे, मैन ऑफ द मैचेस होते थे। तो आज के टाइम में तो उनको वो बच्चे जो हैं वो या तो वो खेलते ही नहीं है ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल ये चेंज हो चुका है जिसे कहते हैं ना। लेकिन गुरुजी ने हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ऐसा किया है कि प्रमोट करने के लिए, उनके लिए फिर खिलाने का, बैट बॉल का सामान ला के दिया सारा, मतलब उस टाइम पे सब बच्चों को बुलाना मंदिर में, खिलाना, फिर उनको अवार्ड्स भी देते थे। धुन का जो शिविर होता था उसमें वो जनरली 1 महीना होता था हमारे पास, तो उसमें ये सब मैचेस होते थे, तो उसमें कराते थे, तो बहुत सारे जनों को अवार्ड्स मिले हैं, टीम जीतती है तो उनकी फ़ोटोग्राफ्स बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना, मतलब हमारा टाइम इज, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा टाइम गोल्डन टाइम था। और गुरुजी ना हमें फार्म हाउस बहुत ले जाते थे मलकानी साहब के, तो वहाँ पर तो जिसे कहते हैं ना कि हमारे लिए तो पिकनिक से भी बढ़ के चीज़ होती थी, आप खेलो कूदो, सभा में आए तो ठीक है, नहीं तो हम तो आते नहीं थे, खेलते रहते थे सारा टाइम बाहर, सभा में सेवा की तैयारी, कितने बड़े हो गए थे तो फिर सेवा मतलब सभा की तैयारी वगैरह में भी लगते थे, लेकिन जनरली आनंद ही किया हमने वहाँ पर बहुत। आज के यूथ को लेके आपको क्या लगता है कि एक मैसेज जाना चाहिए? आप भी उनमें से एक ही हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि अब गुरुजी की तरफ क्या निगाह करके चलना चाहिए? ऐसे मैसेज तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि जो आज का यूथ है उसको एक गुरुजी के साथ संबंध जरूर बना लेना चाहिए ओपन, ताकि उसकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात करनी हो तो वो हिचक के बिना कर सके, क्योंकि गुरुजी तो बहुत ओपन है। अभी भी जो नए छोटे बच्चे भी आते हैं या कोई भी आते हैं, तो गुरुजी तो वैसे ही हैं जैसे हमारे साथ थे, बल्कि उससे भी बहुत अच्छे और बहुत ही प्यार करने वाले हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें गुरुजी के साथ एक संबंध, अटैचमेंट जिसे कहते हैं, वो कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी आगे की जो लाइफ है बहुत ईजी हो जाएगी। आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपने उनके साथ संबंध कर लिया, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है आप उनसे पूछ सकते हो, उनसे गाइड ले सकते हो, आपको आसानी रहेगी, आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए आपके लिए वो बैठी हैं।
तो वो बहुत ईजी है अगर आप उनके साथ सबसे पहला इंटरेक्ट, सबसे पहली चीज़ जो हमें ये करनी चाहिए, हमारा गुरुजी के साथ एक संबंध हो जाए, उसमें जो है वो बाकी लोग भी बहुत हेल्प करते हैं, आप उनको लेके चलें तो बहुत अच्छा होगा। आपको सबसे ऐसे कोई इंसिडेंट याद आता है कि जब बहुत बुरी तरह से डांट पड़ी हो गुरुजी से, क्या गड़बड़ करी थी? ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स हुए, लेकिन मुझे एक इंसिडेंस बहुत अच्छी तरह याद है। पहले ना टीवी का कोई एक सीरियल देखते थे शायद हम, तो गुरुजी वॉशरूम गए थे, तो हम बैठे थे कि गुरुजी जनरली आते थे तो कहते कि इसको चला दो, तो हम बैठे थे उधर, हम भी देखते थे उधर, तो हमने कहा कि चला दो, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी नहीं है अभी, तो हमने कहा गुरुजी आएंगे तो चल रहा होगा। तो जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने देखा कि ये तो पहले से बैठ के देख रहे हैं, तो गुरुजी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में और किसी को व्रत मिला कि भाई तूने क्यों चलाया ये, तो हमने को ऐसी गिल्टी फील हुई कि तो भाई गलती हमारी है कि हमने बोला तब उसने चलाया, वो तो अपने आप नहीं चला रहा था। तब जाके मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा ये तो गलती हमारी है। गुरुजी ने डांटा तो नहीं, लेकिन एक समझ आएगी कि भाई आपको गुरुजी की आज्ञा में ही रहना चाहिए, वो कैसा करते हैं वो करना ज़रूरी नहीं है, वो क्या चाहते हैं या क्या करवा क्या कह रहे हैं वही करना चाहिए। तो एक ये इंसिडेंस है जिसमें ऐसा याद है मुझे। आपको गुरुजी की ऐसी कौन सी क्वालिटी बहुत पसंद है जो आपने उतारी भी हो जीवन में, आपको हेल्प भी करती हो, या फिर ऐसी भी कोई क्वालिटी जो आप उतारना चाहते हैं? गुरुजी की सबसे पहली क्वालिटी है वो जिसको अपना लेते हैं ना तो वो सारी जिम्मेदारी अपने पे ले लेते हैं, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या फाइनेंशियल हो। तो वो तो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि गुरुजी का जो सबसे पहला ना कि जिसको ले लिया महाराज के साथ, मतलब महाराज का संबंध दे दिया और उसको फिर वो उसी पे उसको बढ़ाते रहते हैं उस संबंध को कि तू महाराज के साथ कैसे जुड़ सकता है, और उसको प्रमोट करते रहते हैं धीरे धीरे, प्रसंग दे के सेवा में इस तरीके से बढ़ाते रहते हैं। मैं एक बहुत एक और अच्छी बात करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मेरा जन्मदिन था तो मैंने गुरुजी का पूजन करने गया, तो पूजन करा मैंने तो गुरुजी से मैंने बोला कि गुरुजी कुछ आशीर्वाद दो, तो गुरुजी ने मुझे एक बोला कि भगवान की मूर्ति सिद्ध हो जाए ना वो अपना एम होना चाहिए और उसी पे लगे रहना चाहिए, कि भगवान की मूर्ति मतलब अखंड भगवान को धारते हुए हो जाए, हर क्रिया में हर चीज़ में उनको ही आगे पहले याद करें या उनको मतलब उनको ही लेके आगे चलें, वो उनकी एक ख्वाहिश है हम लोगों के लिए। एक और ख्वाहिश ये है कि हम सब जो मंदिर में रहते हैं वो बहुत हारमनी से रहें, हारमनी से मतलब एक दूसरे की केयर करते हुए रहें, ऐसा नहीं हम रहते हैं तो उसकी कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती, ऐसा नहीं कि हर चीज़ पसंद आती है, लेकिन वो चीज़ छोड़ के भी आपको वो एक अपनेपन की भावना होनी चाहिए हमारे में। मैं कहता हूँ मेरी में नहीं है अभी ये चीज़, लेकिन हमें ये पता तो होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें क्या करना है, तो उस पे भी आगे प्रयास है अभी कि हो जाए कि जो साथ में साथी मुक्त रहते हैं उनके साथ घुल मिल के आत्मीयता से रहें, सूरत भाव से रहें। गुरु जी के साथ कई बार आप बहुत जगह गए भी हो, तो मंदिर में तो खैर नहीं है, कोई ऐसा स्पेशली कोई इंसिडेंट याद आता हो जब आनंद कराया हो और बिल्कुल ऐसे दिमाग में छवि छप गई हो? ऐसे तो बहुत प्रसंग होंगे, लेकिन मेरे को ऐसे मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा। आनंद तो उन्होंने हर बार कराया है, ऐसा नहीं है कि कभी मेरे को कोई ट्रिप में ऐसा हुआ कि नहीं कराया हो, कभी आइसक्रीम खिला के, कभी कुछ और खिला के, मतलब तुम जितना खा सकते हो उससे ज़्यादा खिला के, कभी पानीपत में, मतलब हर जगह पे जहाँ पर भी गए हैं। और मान लो एक बार हम रानी खेत नहीं कौन सी जगह खजियार गए थे, खजियार जहाँ पर फिर हमने वहाँ पर मेरे को ऐसा था कि यार ग्लाइडिंग करें, वो खजियार है आई डोंट नो, सोलन वैली गए थे, तो वहाँ पर ऐसा था कि हमें भी ग्लाइडिंग करनी है एक बार, तो हम तो साधु हो गए तो ऐसी चीज़ों में जनरली कभी होता नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही सहज कहा हाँ तो वो करना है, हाँ तुम जाओ कर लो। तो मतलब वो ऐसी तो हर प्रसंग हर बात ऐसा ही हुआ है कि कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ के मना नहीं किया, लेकिन एक ये चीज़ मेरे लिए मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि उन्होंने ऐसे सहज ही कह दिया कि हाँ जाओ कर लो, और मैंने करी भी
एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। और गुरुजी नीचे बैठे रहे मेरे लिए कि तू कब आएगा मैं देखूंगा तेरे को, तो याद है मुझे बहुत, मतलब प्रसंग ऐसा है। अगर मैं अभी आपके आपके जीवन में पूछूं, ऑब्वियसली आप तो नीचे नीचे संत हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी हमेशा से और आज भी आपके जीवन में क्या है? गुरुजी ना केंद्र बिंदु हैं, मतलब सेंटर हैं। मैं चाहे किसी भी तरफ जाऊं वो वहीं रहेंगे, तो मुझे अल्टीमेटली घूम के वहीं आना है। तो मतलब ऐसा क्या है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब कुछ है मैं वो कह सकता हूँ। अगर गुरुजी अभी सुन रहे हैं, वैसे तो सुन ही रहे, लेकिन अगर पर्सनली अगर आपको कोई ऐसा मैसेज देना जो आप या तो बोल नहीं पाए कभी, या ऐसा पर्सनली कुछ भी बात करनी हो दिल से। मैसेज तो मैं खैर नहीं दे सकता, मैं उनसे प्रार्थना जरूर करूँगा कि वो जैसा हमें चाहते बनाना, हम जल्दी से जल्दी वैसे हो जाएं। और मतलब वो किसी भी तरीके से हो, सूरत भाव रख के, भगवान की मूर्ति सिद्ध करके, जो मतलब जो वो चाहते हैं। अब बस यही प्रार्थना ही है कि उनसे, तो कि गुरुजी जैसा आप चाहते हो हम जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि उनकी तरफ से कोई डिले या कोई चीज़ की कमी नहीं है, सारी कमियाँ जो है वो मेरी तरफ से है। और मैं तो ये कहूँ कि किसी और की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। तो मैं, ये मेरी कमी है कि जो वो चाह रहे हैं वो मैंने नहीं कर रहा हूँ, अपने मन के मैं मन के भाव में आके या जो भी कह लीजिए। तो बस एक यही प्रार्थना है कि वो जैसा चाहते हैं हम वैसा जल्दी से जल्दी कर लें। स्वामी, आपको मंदिर में रहते हुए इतना टाइम हुआ है, ऑब्वियसली आपके साथ के काफ़ी सारे भगत हैं मंदिर में, सेवक हैं, इनके साथ का आपका इंटरेक्शन कैसा रहा है, क्या अनुभव रहा है आपको इन लोगों के साथ? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जिन तीन से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मुझे बहुत तीन वो जने बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो अभिषेक भाई, अभिषेक भाई जब गुरुजी की सेवा में आए ना, तो वो बहुत मतलब 17 साल के थे, और कोई 17 या 16 साल के होंगे। तो मेरी साधु बनने की बात हुई और उसके आने की बात हुई, तो उसको वो 1 सितंबर को वो एज ए सेवक आया था 99 में, और उसके साथ हम रहते थे, खेलते थे, तो हमें पता है कि वो कैसा था। लेकिन जब वो गुरुजी की सेवा में आया ना, और वो अकेले ही था सेवा में और कोई नहीं था, उसने अपने सोने की, खाने की और की अपनी हेल्थ की कभी परवाह नहीं करी है सेवा करने में। मतलब उसने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसने गुरुजी को संभाल लिया मतलब इस तरीके से सेवा के हिसाब से, लेकिन उसने अपने आप को मिटा दिया। और मतलब जिसे कहते हैं ना, उसका मुझे बहुत वो है अभिषेक का, मुझे छोटा भी होगा कुछ कह भी देगा, लेकिन वो अपनी मर्यादा में रहता है, कभी ऐसा बोलता नहीं। मैं जोर से भी बोल देता हूँ उसे, लेकिन वो नहीं बोलता। मुझे जिसे कहते हैं ना आइडियलिज्म, जिसे कहते हैं आइडिया, वो अभिषेक है। और हमें जो नई जनरेशन है, अगर गुरुजी के साथ जुड़ना है ना, तो पहले अभिषेक को साथ में लेके करेंगे ना, तो उनको आसानी रहेगी, क्योंकि ही नो द स्टेप्स। उसमें बहुत मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है अभिषेक हमारे साथ होना। दूसरे हैं आशीष भाई। तो आशीष भाई का ऐसा था कि वो तो बाहर कंस्ट्रक्शन की लाइन में जाने वाले थे, कि वह कंस्ट्रक्शन का काम सीखने वाले थे और उसमें जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने टर्न किया पूरा अपने आप को कि, और गुरुजी की सेवा में आ गए। मतलब घर छोड़ के नहीं आए, लेकिन उनके लिए एज ए सेवक, एज ए स्टैंड बहुतों ने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन मैंने जो देखा है वो आशीष को देखा है, कि वो जा सकता था बाहर, आज को वो गंवा सकता है। गुरुजी ने भी इसको बोला था कि तू बाहर रह के भी सेवा कर सकता है, फुल टाइम रहने की ज़रूरत नहीं है,
मैं उस समय था नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो गुरुजी के पास गिड़गिड़ाया था कि ये मुझे करनी है। आज भी देखो उसका एक ही देह होता है कि गुरुजी कैसे, गुरुजी ने कोई चीज कही है तो कैसे हो जाए, प्रैक्टिकल है नहीं है वो बात नहीं है, हमें कैसे कर लेनी है वो उसका हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है। वो तो मेरे साथ का ही है, मैंने उसको देखा भी हुआ है, उसके साथ घूमा भी हूँ, खेला भी हूँ, लेकिन आज वो जिस लेवल पे है और वो जिस लेवल से सेवा करता है, निर्दोष बुद्धि भी रखता है, मतलब असुरत भाव भी रखना है, क्योंकि सबके साथ काम करना है, सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य है कि गुरुजी को राजी करना है उसका। ये तो दो व्यक्ति हो गए, एक तीसरा है पुनीत। वो तो जॉब करता था और मेरे ख्याल से 2007 या 8 में फिर वो सेवा में आया, मतलब सेवा में आया मतलब उसको उसे जॉब छोड़ी, क्योंकि वो गुरुजी के साथ बाहर जाना होता था तो हम सबकी इच्छा ऐसी रहती थी कि भाई कोई ऐसा पर्सन जाए जो गुरुजी की वीडियो ले, फोटो ले, कवरेज करे। तो फिर उसने अपनी जॉब छोड़ के हमेशा ये फिर इसी सेवा में रहा। फंक्शन हो जाता है ना तो फंक्शन से पहले तो सेवा होती है, तो वो फंक्शन से पहले जैसे फंक्शन की तैयारियों में टेंट है, टेंट में मैनेजमेंट में आशीष के साथ खड़ा रहता है। जब फंक्शन ख़त्म हो जाता था तो फिर वो वीडियो को काम होता था उसका। तो ऐसे कितने ही फंक्शन मैंने देखे हैं कि फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो नहीं सोता था, कितने ही फंक्शन वो सोया ही नहीं है, कितने ही दिन नहीं सोता था, क्योंकि वो गुरु जी को वीडियो देखनी होती थी। उसके पास तो हमेशा से उसकी तो काबिलियत पढ़ाई वो ऐसी है कि वो जब चाहे कहीं पर भी जा सकता है और कमा सकता है, लेकिन उसने एक ही ऑप्शन रखा, ऑप्शन ही नहीं रखे मतलब, जिससे मैं तो कहूँगा कि बस एक गुरुजी को राजी करने का। ये तीन तो मेरे लिए बहुत हैं, बाकी तो देखो बहुत सारे ऐसे जने होंगे मंदिर में, तो हर एक जना अपने आप में एक अलग है, बच्चों में तो बहुत ऐसे होंगे, लेकिन मेरे लिए तीन जने बहुत मायने रखते हैं।